पवन सिंह को लेकर आप सभी को एक बहुत ही बड़ी खबर दे देना चाहता हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर काफी तेजी से तैयारी चल रही है और सीटों का बंटवारा भी बिहार में हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एनडीए सीट का बंटवारा हो चुका है। आप सभी को बता देना चाहता हूँ 17 सीट मिला है बीजेपी को, यानी 17 सीट से लड़ने वाली है बीजेपी, और 16 सीट से जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी और लोजपा को 5 और बाकी लोगों को एक एक सीट मिला है। हाँ तो दोस्तों, सीट का बंटवारा हो चुका है एनडीए का। अब देखा जाएगा पवन सिंह को कहां से उतारा जाता है चुनावी मैदान में, और लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि पवन सिंह को देखिए बीजेपी पार्टी कहां से उतारती है बिहार में। और आप सभी को एक बड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ, बीजेपी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कल शाम तक बीजेपी पार्टी ने तीसरी लिस्ट भी जारी करेगी और देखा जाएगा बीजेपी के तीसरा लिस्ट में पवन सिंह का नाम आता है या नहीं आता है, और ये कल आप सभी को शामो शाम तक पता चल जाएगा। और पवन सिंह के चाहने वाले इंतजार भी कर रहे हैं कि पवन सिंह को जल्दी टिकट मिले, तो आप सभी का इंतजार का घड़ी खत्म होने वाला है। कल शामो शाम तक आप सभी को पता चल जाएगा पवन सिंह को कहां से टिकट मिलेगा। अगर बीजेपी पार्टी पवन सिंह को टिकट नहीं देती है तो समझिए पवन सिंह किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे और दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये रहा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का चुनावी अपडेट। आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, सर्दी हो गया है, मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया है, इसी वजह से मेरा थोड़ा सा आवाज फटाफटा सा आ रहा है, दबा सा आ रहा है। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद दोस्तों।